नमस्कार साथियों, आज का जो वीडियो है विशेषकर भारत के प्रत्येक नागरिक, प्रत्येक विद्यार्थी, प्रत्येक सरकारी कर्मचारी सबके लिए समर्पित है। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। ये भारत सरकार का एक महत्वपूर्ण वेबसाइट या भारत सरकार का एक महत्वपूर्ण ऐप है जो बहुत ही यूजफुल है, बहुत ही महत्वपूर्ण उपयोगी है। देखिए, इस ऐप के बारे में थोड़ी सी जानकारी देता हूँ, बाद में सारा स्टेप बाय स्टेप बता देता हूँ। ये एक डिजी लॉकर है जो राजस्थान भारत सरकार का एक बहुत ही महत्वपूर्ण ऐप है जिसमें आप अपने डॉक्यूमेंट को सुरक्षित रख सकते हैं। आज इस ऐप के बारे में क्यों जानकारी दे रहा हूँ, क्योंकि राजस्थान सरकार ने आरबीएसई ने राजस्थान सरकार ने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के प्रदेश के 60 लाख विद्यार्थियों को सौगात दी है। बोर्ड परीक्षा से जुड़े 2018, 2019, 2020 के परीक्षार्थियों की परीक्षा में जुड़े दस्तावेज यथा अंक तालिका, परीक्षा प्रमाण पत्र उनके डिजिटल लॉकर में उपलब्ध कराए जा रहे हैं। यानी आने वाले समय में पूरा का पूरा हमारा जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की वेबसाइट पर, या अपन बात करें कि इस डिजी लॉकर में आपको सारे प्रमाण पत्र, आपके जो आने वाले जो 10वीं और कक्षा 12 के विद्यार्थी हैं उनको अपने प्रमाण पत्र ई इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से प्राप्त होंगे और वो बहुत ही सुरक्षित होंगे। आपको कहीं पर भी कैरी नहीं करने होंगे। यदि किसी आप कंपनी में या सरकारी कहीं पर भी आप दस्तावेज पेश करना चाहते हैं तो वो दस्तावेज आप शेयर कर सकते हैं और वो उतने ही वैलिड होंगे जितने आपके पास वर्तमान में हार्ड कॉपी में अंक तालिका होती हैं। तो साथ ही ये बता देता हूँ कि ये हमारे बोर्ड के प्रमाण पत्र ऑनलाइन उपलब्ध होने से परीक्षार्थियों का रिकॉर्ड हमेशा के लिए डिजिटल फॉर्मेट में ऑनलाइन उपलब्ध रहेगा, जिससे परीक्षार्थियों का प्रमाण पत्र खोने और नष्ट होने के कारण होने वाली असुविधा से मुक्ति मिलेगी। उन्हें बताया कि डिजिटल लॉकर राजस्थान बोर्ड के दस्तावेज प्राप्त करने के लिए परीक्षार्थियों को क्या करना होगा। आपको गूगल के प्ले स्टोर में जाना होगा और प्ले स्टोर में किस प्रकार से जाकर कैसे दस्तावेज, आपको अपना अकाउंट तैयार करना होगा और अकाउंट तैयार करके किस प्रकार से आपको अपने डॉक्यूमेंट को सेव करना होगा, तमाम जानकारी मैं इस वीडियो में दूंगा। आप इस वीडियो में डिजिटल लॉकर की मैं आगे संपूर्ण जानकारी देने से पहले ये बता देता हूँ कि ये कितना सुरक्षित हैं, कैसे हैं। डिजिटल लॉकर या डिजी लॉकर एक तरह का वर्चुअल लॉकर है जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जुलाई 2015 में लॉन्च किया था। डिजिटल इंडिया अभियान के तहत डिजी लॉकर को शुरू किया गया। उसका उपयोग आप अपने डॉक्यूमेंट को ऑनलाइन स्टोर करने के लिए कर सकते हैं। इस बात की भी जानकारी दी कि डिजी लॉकर खाता खोलने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, एक आधार कार्ड होना अनिवार्य है। डिजी लॉकर देश के नागरिक पैन कार्ड, यानी देखिए साथियों यहाँ पर आप अपना पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, पासपोर्ट आदि कोई भी सरकारी प्रमाण पत्र स्टोर कर सकते हैं। इसमें कोई भी प्रमाण पत्र क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। इसमें आधार कार्ड के दे रखा है, सभी सिंबल दे रखे हैं, आप अपने यहाँ पर डिजी लॉकर में रख सकते हैं। अब बात करते हैं ये कितना सुरक्षित है। अगर हम बात करें कि डिजी लॉकर की सुरक्षा की, तो डिजी लॉकर उतना ही सुरक्षित है जैसे कि हमारा बैंक अकाउंट है या नेट बैंकिंग है। इस बात की जानकारी दें कि डिजी लॉकर में हम एक यूज़र आईडी और पासवर्ड बनाना होता है, उसके बाद हमें उसे अपने आधार कार्ड से लिंक करना होता है, साथ में हमें अपना मोबाइल नंबर भी रजिस्टर्ड करना होता है। ये सभी प्रक्रिया करने के बाद हमारा डिजी लॉकर अपना अकाउंट बना लेता है। जिस प्रकार से अपने बैंक अकाउंट में अपने पैसे सुरक्षित रहते हैं, उसी प्रकार से ये हमारा संपूर्ण जो दस्तावेज हैं उतने ही सुरक्षित होते हैं जितने हमारी मनी होती हैं, क्योंकि ये भारत सरकार का एक महत्वपूर्ण ऐप है। अब इस अकाउंट कैसे बनाएं, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता दूंगा, लेकिन पहले आपको थोड़ी सी जानकारी दे देता हूं। डिजिटल लॉकर का यूज़ करने के लिए आपको पहले या तो आप वेबसाइट पर चले जाइए या आप गूगल प्ले स्टोर में जाकर डिजी लॉकर नाम से ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। आप चाहें तो अपने मोबाइल नंबर से इसका ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। डिजी लॉकर में रजिस्टर करने पर आपको अपना एक अकाउंट बन जाता है, जिससे अपना अकाउंट बना लेते हैं तो आपको डिजी लॉकर में कुछ स्पेस मिल जाता है। आपको कुछ स्पेस मिलेगा जिसमें आप अपनी इमेज, पीडीएफ, वर्ड फाइल आदि। डिजी लॉकर को यूज करने के लिए आपको पहले कुछ प्रक्रिया का पालन करना होगा। अकाउंट बनाने के लिए सबसे पहले क्या करना होगा, डिजी लॉकर government.in या डिजी लॉकर ऐप को डाउनलोड करना होगा। उसके बाद साइट के दाएं ओर साइन अप का बटन होगा। साइन अप मतलब आपको अपने रजिस्टर करना होगा। देखेंगे कि नया पेज ओपन होगा, उसके बाद मोबाइल नंबर दर्ज करें। डिजी लॉकर में आपको अपना मोबाइल नंबर या एक ओटीपी भेजेगा जिसे दर्ज करें। यूज़र नेम और पासवर्ड सेट करें, उसके बाद डिजी लॉकर का इस्तेमाल कर सकते हैं।
उसके बाद आपको क्या कैसे डॉक्यूमेंट सेव करने हैं वो भी आपको जानकारी दे देता हूँ, बाकी आगे प्रैक्टिकल के रूप में भी जानकारी दूंगा। अपने डॉक्यूमेंट को डिजी लॉकर में सेव करने के लिए आपको अपने सभी डॉक्यूमेंट को स्कैन करना होगा। यदि आप चाहें तो अपने डॉक्यूमेंट को एक क्लियर फोटो भी क्लिक करके कर सकते हैं, जिसके बाद आपको डिजी लॉकर में सेव करने की सुरक्षित होगी। सबसे पहले डिजी लॉकर में लॉग इन करें, उसके साइट में बाईं ओर अपलोड डॉक्यूमेंट्स पर जाएँ और अपलोड पर क्लिक करें। आप अपने डॉक्यूमेंट के बारे में संक्षिप्त विवरण भी लिख सकते हैं और उसके बाद अपलोड बटन पर क्लिक कर सकते हैं। जैसे जो भी डॉक्यूमेंट अपलोड कर रहे हैं, मान लीजिए कि अंगतालिका कर रहे हैं या आप अपना मूल निवास प्रमाण पत्र कर रहे हैं या जाति प्रमाण पत्र अपलोड कर रहे हैं, तो तमाम जानकारी आप दे सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आपको बता देता हूँ प्रैक्टिकल रूप से किस प्रकार से आपको डिजी लॉकर डाउनलोड करना है मोबाइल से और इसके अलावा वेबसाइट से भी। देखिए साथियों, यहाँ पर प्ले स्टोर में आ गए हैं और यहाँ पर प्ले स्टोर में क्या लिखना है, डीजी, देखिए डीजी लॉकर सिंपल एंड सिक्योर डॉक्यूमेंट वॉलेट, ये है बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ऐप है ये, और इसमें मात्र ये डीजी लॉकर सिंपल और सिक्योर डॉक्यूमेंट है। इसमें साफ साफ लिखा हुआ है, आप इसके नीचे इसको देख सकते हैं, इसकी रेटिंग देख सकते हैं कितनी अच्छी रेटिंग है, बहुत ही सुरक्षित है। जिस प्रकार से आपका बैंक अकाउंट होता है उसी प्रकार का डीजी लॉकर अकाउंट है। साथियों अब आपको क्या करना है, यहाँ पर इंस्टॉल पर क्लिक करना है। देखिए साथियों, ये मेरे मोबाइल में स्टोर हो रहा है, इसकी जो क्षमता है वो ज़्यादा नहीं है, ये 10 MB का है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। बस देखिए मेरे मोबाइल में डाउनलोड हो चुका है। अब आपको क्या करना है, इसको ओपन करना है, यहाँ से ओपन करना है। ये ओपन करते ही आपके सामने इस प्रकार का ये प्लेटफार्म आपके सामने आ जाएगा। अब आपको यह सारी चीज़ें यहाँ पर आप चाहें तो वो डाउनलोड कर सकेंगे, लेकिन इसको एसेस करने से पहले क्या करना होगा, यहाँ नीचे देखिए अकाउंट लिखा हुआ है, यहाँ अकाउंट पर क्लिक करना है आपको। यहाँ अकाउंट करने से पहले क्या होगा, आपको क्रिएट अकाउंट में जाके आपको अपने अकाउंट क्लिक करना होगा, यानी अकाउंट क्रिएट करना होगा। तो इसके लिए क्या होगा, आपको अपने आधार कार्ड नंबर डालने होंगे, आधार कार्ड नंबर। तो साथियों यहाँ पर क्या करना है, आपको ये अपना आधार नंबर डालना है। आधार नंबर डालने के बाद यहाँ पर नेक्स्ट बटन पर क्लिक करना है, जैसे मैं अब आपको बता देता हूँ किस प्रकार से आपको करना है। नेक्स्ट बटन पर क्लिक, जैसे ही नेक्स्ट बटन पर क्लिक करेंगे आप साथियों, तो आपके पास आधार नंबर पर आपका जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पर आपको OTP भेजा जाएगा। उस OTP को आपको इस मात्र आपको चंद सेकंड के अंदर आपको उपलब्ध करवाना होगा साथियों। तो साथियों इस प्रकार का आपके सामने इंटरफेस आ जाएगा। आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस आने के बाद आपका जो आधार कार्ड के अंदर मोबाइल नंबर या नाम दिया हुआ है उस प्रकार से नाम आ जाएगा। और ये आप देखिए यहाँ पर आपको अलग अलग दिखाई दे रहे हैं, बैंक, हेल्थ, स्टेट वाइज एजुकेशन सब दिखाई दे रहे हैं। जैसे आप आधार कार्ड पर क्लिक किया, तो आपको आधार कार्ड पर क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, जैसे ही आप आधार कार्ड पर क्लिक करेंगे साथियों, तो यहाँ आपका आधार कार्ड आपके सामने आ जाएगा। यहाँ आपके एक OTP आएगा जो आपको रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है जो आधार कार्ड से उसे, उसके बाद आपका डिजिटल लॉकर में आपका आधार कार्ड प्रिंट हो जाएगा। आप आधार कार्ड को कहीं पर भी शेयर कर सकते हैं। इसी प्रकार से जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जितनी भी वेबसाइट्स हैं, जितने भी हमारे यूज़ हैं जिससे आप लिंक्स जुड़े हुए हो, मान लीजिए कि वोटर आईडी कार्ड से जुड़े हो या पैन कार्ड आपसे जुड़ा हुआ हो या आप भारत गैस पेट्रोलियम या किसी से का भी से जुड़े हो, उसका डिजिटल आप फॉर्मेट या डॉक्यूमेंट यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं साथियों इस प्रकार से। और जैसे ये LPG का है, जैसे LPG की आप इसमें डाल दीजिए आपके डॉक्यूमेंट, तो आपकी LPG का यहाँ पर डॉक्यूमेंट आपके सामने आ जाएगा। इसी प्रकार से साथियों स्टेट गवर्नमेंट से संबंधित कोई भी आपसे जुड़े हो किसी भी वेबसाइट से, तो स्टेट गवर्नमेंट के बारे में आप जानकारी ले सकते हैं। स्टेट गवर्नमेंट का कोई भी संबंधित हो, जैसे बात करते हैं, मैं आपको एग्जांपल के तौर पर बता देता हूं, जैसे आप राजस्थान गवर्नमेंट की बात करते हैं, राजस्थान गवर्नमेंट में यदि आप ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह हो तो उससे, जैसे ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है यहाँ पर का ड्राइविंग लाइसेंस बना हुआ, तो ड्राइविंग लाइसेंस का यहाँ पर नंबर डाल दीजिए, ड्राइविंग लाइसेंस आपके सामने आ जाएगा। आप कहीं पर भी उसको कैरी करने की आवश्यकता नहीं है। यदि आपको कहीं पर पुलिस डिपार्टमेंट के कर्मचारी आपको रोकते हैं तो उसको सीधा ड्राइविंग लाइसेंस दिखा सकते हो। यह आपका
इस प्रकार से डिजिटल फॉर्मेट में आपको सब उपलब्ध हो रहा है सारे के सारे डॉक्यूमेंट। ये डॉक्यूमेंट आप किसी को भी शेयर कर सकते हो, सरकारी नौकरी या सरकारी कंपनी, इसके अलावा कहीं पर भी शेयर कर सकते हो, उतने ही वैलिड होते हैं। ये हमारा अगला है एजुकेशन संबंधित। यदि आपने भारत के किसी भी बोर्ड से यदि एजुकेशन प्राप्त की है 10वीं 12वीं के, तो उसका भी आप अंक तालिका डिजिटल फॉर्मेट में प्राप्त कर सकते हैं। मैं यहाँ आपको एक एग्जाम्पल देने जा रहा हूँ जिस प्रकार से आप कैसे प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप राजस्थान के जैसे मूल निवासी हैं, तो राजस्थान के जो कैंडिडेट हैं जो 10वीं कक्षा उत्तीर्ण कर चुके हैं 12वीं, तो उसको क्या करना है, 10वीं पर क्लिक करना है, उसके बाद उस कैंडिडेट को अपना नाम लिखना है, रोल नंबर लिखना है और ईयर चूज करना है, और उसके बाद गेट डॉक्यूमेंट पर क्लिक करना, तो उसके बाद उसका अंक तालिका जो मूल अंक तालिका है उस वो प्राप्त हो जाएगी और वो डिजिटल के रूप में होगी। ये कक्षा 10 और 12 दोनों के विद्यार्थी यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। ये हमेशा किसी को भी शेयर कर सकते हैं। इसके अलावा वह ये बहुत ही सुरक्षित है, आपको खोने और नष्ट होने की डर नहीं सताएगा। इसके बाद साथियों आगे बढ़ते हैं कि हमारे एजुकेशन के बाद अगर बैंकिंग या इंश्योरेंस, यदि आपने कहीं इंश्योरेंस करा रखा है, हेल्थ इंश्योरेंस किया, कार इंश्योरेंस, किसी भी प्रकार का इंश्योरेंस करा रखा और किसी भी कंपनी से इंश्योरेंस करा रखा है, उस कंपनी के पर आपको क्लिक करना है। जैसे मैं यहाँ पर नेशनल इंश्योरेंस कंपनी की बात करता हूँ, नेशनल इंश्योरेंस पॉलिसी से यदि आपने इंश्योरेंस करा रखा है, तो यहाँ पर आपको उसकी तमाम जो जानकारी भरनी होगी, पॉलिसी वगैरह। जैसे मान लिया आपके कार की इंश्योरेंस करवा रखा है, तो कार का इंश्योरेंस पॉलिसी नंबर, कार पॉलिसी की स्टार्ट डेट लिखनी है, उसके बाद आपका जो भी पॉलिसी फॉर्मेट है वो आपके सामने उपस्थित हो जाएगा। जैसे आप अपनी मोटरसाइकिल का इंश्योरेंस करवा रखा है, तो मोटरसाइकिल की जानकारी दे सकते हैं, इससे आपके इंश्योरेंस फॉर्मेट आपके सामने उपलब्ध हो जाएगा। इस प्रकार से साथियों जैसे आपने ICICI बैंक इंश्योरेंस करवा रखा है, तो उसी प्रकार से उपलब्ध हो जाएगा। यानी आपका पूरा का पूरा यहाँ पर डिजिटल डेटा उपलब्ध हो रहा है, वो डिजिटल डेटा उतना ही वैलिड होता है जितना आपके पास हार्ड कॉपी होती है, उतना ही वैलिड माना जाता है। साथियों जैसे हेल्थ से संबंधित यदि आपने कोई इंश्योरेंस करवा रखा है, तो उसकी भी डिजिटल फॉर्मेट उपलब्ध हो जाएगा। अदर ये है, इस प्रकार से ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बहुत ही महत्वपूर्ण साइट है, और ये बात करें तो बहुत ही महत्वपूर्ण ऐप है जिसमें आप अपने डॉक्यूमेंट, इसके साथ साथ आप यदि कोई डॉक्यूमेंट है उसको भी अपलोड करना चाहता है, जैसे मूल निवास प्रमाण पत्र है, तो यहाँ अपलोड करके फाइल में जाकर अपलोड कर सकते हैं, अपने मोबाइल में यदि स्कैन कर सकते हैं या फोटो के लिए फ़ोटो लेकर इसको स्कैन कर सकते हैं। ये हमेशा के लिए सुरक्षित होगा और इसको कहीं पर भी शेयर कर सकते हैं, और ये वैलिड होता है क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के माननीय वेबसाइट है, यहाँ पर आपको संपूर्ण जानकारी दी गई है। तो साथियों इस प्रकार से ये बहुत ही महत्वपूर्ण ऐप है जो सुरक्षित है। जिस प्रकार से बैंकिंग या ना आप बैंक पर भरोसा करते हैं, उसी प्रकार से आप डिजिटल लॉकर पर भी भरोसा कर सकते हैं। ये भारत सरकार का एक बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि आपको ये जानकारी बहुत अच्छी लगी, तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। हो सकता है आपको कहीं बहुत सारे डॉक्यूमेंट आपको कैरी नहीं करने की आवश्यकता नहीं है, और इस पर आप संपूर्ण जानकारी ले सकते हैं। इसके अलावा आपको ड्राइविंग लाइसेंस है, या आपकी मार्कशीट है, अंक तालिका है 10वीं 12वीं, इसके अलावा और भी डॉक्यूमेंट आप सेव कर सकते हैं, क्योंकि आपको 10 MB का डाटा मिलता है। आप 1-1 MB में आप यहाँ पर सेव कर सकते हैं और उसको कैरी कर सकते हैं। उसके बाद यदि आपको समय के साथ आपको MB आपकी जो सुरक्षित जगह है वो बढ़ा दी जाएगी, तो मैं आपको इतना कह सकता हूँ कि ये बैंक की तरह ही इतना ही सुरक्षित है डिजिटल लॉकर। इस पर एक आईडी है, आपके पास आधार कार्ड नंबर होना चाहिए और मोबाइल नंबर होना चाहिए। जय हिंद, जय भारत। कैसा लगा आपको ये वीडियो, ज़रूर बताइए कमेंट बॉक्स में। इस प्रकार से फिर से नई वीडियो लेकर आऊँगा। धन्यवाद।